इस बजट को लेके युवा जैसे आजकल बहुत सारा अपने यहाँ सबसे जो मेन इशू है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेके। और इस एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे अभी पीछे भी सुनने में आ रहा था कि 75% रिजर्वेशन इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट में किया है, उसके साथ साथ वो उन्होंने अच्छा मौका दिया कि हरियाणवीज को इसमें 75% रिजर्वेशन देके ज़्यादा चांस इन्होंने दिया है युवाओं को। तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ नई इंडस्ट्रीज भी हरियाणा में लगनी चाहिए, रोज़गार के और भी जितने भी पोस्ट खाली है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आईटीआईज हैं, या जितने भी सेंटर्स और भी हैं वो इनको सीट्स वैकेंट करनी चाहिए। और ये बजट्स का मौका है, इसमें इनको निकाल के जितनी भी पोस्ट हैं वो उनकी वैकेंसीज निकाल के जल्द से जल्द इसमें भर्ती करनी चाहिए। और दूसरा जो मेन मुद्दा है वो जो लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो लेडीज़ का भी किचन का जो बजट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर के प्राइजेज भी बहुत बढ़ गए हैं। ऑल्दो इसमें तो सेंटर गवर्नमेंट का उसमें रूल्स रहते हैं कि जो टैक्सेस का इशू है तो वो कम होना चाहिए, और पेट्रोल और डीजल का भी जो मेन मुद्दा है जिसके कारण सारी महंगाई बढ़ती है और हर चीज़ उससे कोरिलेशन में है, पेट्रोल और डीजल से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत भार पड़ता है इससे, तो उसके भी टैक्सेस कम होने चाहिए। तो यही इस बजट से हमें उम्मीदें हैं इस बार कम होने चाहिए। सर, बजट से मौजूदा सरकार को से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम किसानों को सारा बजट जो कृषि का है वो सारा इस सरकार ने बिगाड़ के रख दिया है। रेख है ऊपर से मोदी सरकार ने ये नए जो कानून लेके या टोटली वो किसान के खिलाफ में है। जैसे मोटा मोटा मान ले, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे को भी, जैसे इस पर भंडारण की रोकथाम नहीं है, कोई नियम नहीं है भंडारण के लिए, अनलिमिटेड स्टोर, तो उससे सीधा सीधा व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होने वाला है। और एक है ऊपर से जो हमारे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है ज़मींदार की, जैसे खाद है, स्प्रे है, डीजल है, इस पर मौजूदा सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सारी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। सुनने में है जैसे अप्रैल में जो हमारा यूरिया का एक बैग है वो हमें सब्सिडी के तहत 266 रुपये का मिलता था, वो हमें अप्रैल से 1000 रुपये का मिलने वाला है। और जैसे पहले हमारी सब्सिडी थी जैसे बिजली बिल के अंदर, चलो वो थोड़ा सरकार ने अभी उस बिल पर रोक लगा दी है, भी अभी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, नहीं तो वो हमारा जो ट्यूबवेल का बिल है, इलेक्ट्रिकल बिल है, वो भी ज़्यादा होने वाला था। और जो ट्रैक्टर, जैसे किसान जुताई जनरली ट्रैक्टर से करता है जिसमें डीजल की ज़्यादा खपत होती है, दिन प्रतिदिन डीजल की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। तो हमें किसान वर्ग को इनके बजट से कोई उम्मीद ही नहीं है, भी किसान के हित के अंदर इन कुछ ये करने वाले हैं। बजट पे व्यापारियों को, इससे पहले जो सेंटर का बजट आया था व्यापारियों को कुछ नहीं मिला, और अब तो कम से कम हरियाणा में, तो यहाँ हरियाणा के व्यापारियों को तो कम से कम आशा है कि सरकार जो टैक्स पे, जिस तरह कई टैक्स लगाए हैं उन्होंने डीजल पेट्रोल पे है, वो कम करे तो उसे कम रेट होगा। अगर ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो बताया कभी है नहीं, और बजट में इनको रायते करनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए व्यापारियों के प्रति, क्योंकि व्यापारी नोटबंदी जीएसटी के कारण पहले ही लुटा पड़ा मरा पड़ा है, और अब जब मंदी वो फिर कोविड के बाद, क्योंकि जब से लगा है एक साल में व्यापारी मरा है, तो अब सरकार को व्यापारियों की तरफ ध्यान दे करके इसका पूर्ण रूप से कम करना चाहिए। टैक्सों में बढ़ोतरी तो किसी हाल में ना करे, लेकिन जो टैक्स ऑपरेट कम करे। ऐसा है, अभी जैसे पीछे कोविड चलता रहा है तो कोविड के चक्कर में काफ़ी इंडस्ट्रीज पे फ़र्क पड़ा है, व्यापारियों पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि काम धंधे नहीं चले, बाज़ार बंद रहे, उस चक्कर में काफ़ी जो हमारे पब्लिक है वो बेरोज़गार हो गई है। उसके बावजूद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम आइटम को बढ़ा दिया है जिससे डबल मार पड़ी है लोगों के ऊपर, और पेट्रोलियम आइटम बढ़ने से क्या होता है कि हर आइटम पे इफ़ेक्ट आता है, जैसे खाने की दाल है, सब्जियां हैं, किराना है, इन सब जो है ये डबल रेट हो चुकी हैं। तो आज एक तो बेरोज़गारी है और दूसरा जो है ये डबल हो गए हैं रेट, तो उस चक्कर के अंदर हर बंदा त्रासी कर रहा है। हम सरकार से यही चाहेंगे कि अगले आने वाले बजट में कुछ पब्लिक को राहत दे ताकि अपना वो कारोबार, अपना घर बार जो है अच्छे ढंग से चला सके। उम्मीदें तो ये है कि जी हम तो चाहते थे भी गवर्नमेंट कुछ टैक्स कम करेगी, तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम बढ़ा के हर चीज़ को महंगा कर दिया, हर चीज़ की दुकानदारी बंद होगी। अब जो भी है, जो 10 रुपये का किराया था वो 20 रुपये कर दिया उन्होंने, पूरी महंगाई कर दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को थोड़ी राहत देनी चाहिए थी बजट में, भाई टैक्स कम करके, भैया तो बढ़ा रहे हैं और महंगाई बढ़ा रहे हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। वो बात मिल जाती है बस बढ़ाने की,
पाँच की जगह डबल कर देते हैं किराया वो, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना भी थोड़ा बहुत सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट कम करेगी तो सेंटर भी कम करेगी ना। गवर्नमेंट स्टेट करना चाहती है ना सेंटर करना चाहती है।